हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं, संदीप बोल हमारे साथ हैं, नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नीरज, मेरा एक बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चीन जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि वो आगे आता था लेकिन फिर पीछे हट जाया करता था, लेकिन कल की जो घटना आई है वो एक बार दोबारा से सोचने पर मजबूर कर रही है कि चीन से अब सिर्फ बातचीत के रास्ते अगर हम मसला सुलझाने का सोच रहे हैं तो नहीं मुमकिन है, कुछ और तरीका भी अपनाना होगा। देखिए, उसी तरीके के तहत तो उस इलाके में भारतीय सैनिकों ने अपना दबदबा बढ़ाया है हाल के वक्त में, और भारत सरकार के कोशिशों के तहत वहाँ रोड निर्माण का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये तमाम जो सामरिक तौर पे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वहाँ भारत ने अपना दबदबा बढ़ाया है, और जिससे चीन नाराज है। देखिए, कूटनीतिक स्तर पे बातचीत होती है, लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है परसों की घटना के बाद और कल जिस तरह से संख्या आई है कि भारतीय जवान, 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद कूटनीतिक स्तर पर चर्चा तो हो सकती है लेकिन जल्द समाधान होने की उम्मीद कम है। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, भले ही इन द्विपक्षीय मसले यानी भारत चीन विवाद में कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के जितने भी ताकतवर देश हैं उनका पक्ष इस वक्त भारत की भारत तरफ है। ठीक है नीरज, मैं आ रही हूं आपके पास। रूस भी जो है वो भारत की तरफ है, वो चीन का। ठीक है, उधर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने चीन की हरकत की निंदा करते हुए कहा कि देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। इस प्रकार की घटना को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये चेतावनी चीन को समझनी चाहिए। आज देश एकजुट है, हम अपनी तरफ से पूरा भारतीय सेना को साथ और समर्थन, और हमारे देश की सरकार को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, सेना के साथ हैं। आप जवाबी कार्रवाई जो भी तय हो, जिस भाषा में भी जवाब देना हो वो आप करें, आपके साथ पूरा ये देश एकजुटता से है। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, इस परिस्थिति को गंभीरता से, पूर्ण गंभीरता से सरकार ले, देश हर बात से ऊपर उठकर आपके साथ। उधर बीजेपी नेता नवल किशोर ने कहा कि भारत की हमेशा बातचीत से मसले हल करने की कोशिश रही है, उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। भारत की सरकार, देखिए, प्यार और बार दू में किसी से एडवाइस नहीं लिया जाता है, परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ता है। भारत की सरकार को जब जैसा जरूरत पड़े वह निर्णय लेगा, और इन लोगों को देश से मतलब कम है, इन लोगों को राज सत्ता से मतलब है। देश के नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने का मतलब ही भारत के अब खिलाफ करने लगे हैं, यह बड़ी दुर्भाग्य है प्रतिपक्ष के लिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ करें लोकतंत्र में तो पता चलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ करने के साथ साथ अब भारत का भी विरोध करने लगे, भारत की सीमाओं का विरोध करने लगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एलएसी पर चीन के सैनिकों की हरकत पर देश भर में गुस्से का माहौल है। लद्दाख के गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद कई जगह लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान चीन के झंडे भी जलाए गए, साथ ही चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। देश के अलग अलग हिस्सों की हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, यूपी के बहराइच, प्रयागराज, कानपुर में, जबकि अहमदाबाद और इंदौर में भी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। तो किस तरीके से अब लोग इस बात से बेहद नाराज और गुस्से में हैं कि चीन की यह हरकत का मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगहों की जहां पर लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। कई जगहों पर चीन के झंडे जलाए गए, शी जिनपिंग की पुतले बनाकर फूके गए, कई जगहों पर लोग चीन के सामान को जलाते हुए भी नजर आए, और उनका यही मैसेज है कि चीन का जो सामान है उसको भी उसका बहिष्कार करना होगा। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव जी, ये महत्वपूर्ण चीज है कि कल जो स्थिति हमने देखी उसके बाद भारत की रणनीति को आप कैसे देखते हैं, यानी सही शब्दों में जानना चाहूं तो आखिरकार चीन का इलाज क्या है? देखिए, चीन एक ऐसा देश है कि जिसको कि हम जो है पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही डील कर सकते हैं। भारत को अपनी जो रक्षा की जो तैयारियां हैं और रक्षा के जो भी पोस्चर है उसको पूरी तरीके से मेंटेन करना होगा, और पूरी तरीके से एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक पूर्ण राजनीतिक संकल्प के साथ हमें चाइना का मुकाबला करना होगा। चाइना की किसी भी कंटिंजेंसी का सामना करने के लिए भारत को पूरी तरह से तैयार रहना होगा, और भारत इसके लिए तैयार है भी। वर्तमान का जो राजनीतिक नेतृत्व है, ये जो नया भारत है,
वो चाइना के द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी तरह की चुनौती को डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हमें चाइना को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही हम निगोशिएट कर सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं, ये हमारा राजनीतिक अनुभव है। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है कि जो कि शक्ति को सम्मान देता है और कमजोरियों को वो एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता है। तो ये चाइना के चरित्र को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी रक्षा की तैयारियां पुख्ता रखनी होंगी। साथ ही साथ भारत को इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ऐसे देश जो कि चाइना के इस तरह के नकारात्मक चरित्र से चिंतित हैं, उनके साथ भी संपर्क में रहना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना की महामारी की इंफॉर्मेशन को दबाने और छुपाने के अपराध में चाइना पूरी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में घिरा हुआ है। हमारे साथ संदीप है, मैं आपको रोक रही हूँ, उनके पास कुछ अपडेट भी है। संदीप, ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि अभी जो हमारे जवान घायल हैं उनकी उनकी भी स्थिति कैसी, जरा पहले ये बता दीजिएगा। और ऐसी भी खबर मिल रही थी कि कुछ जवान जो है वो अभी मिल नहीं रहे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी? देखिए, मिसिंग की खबरें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन अभी तक जो है सेना की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। मिसिंग हुए हैं कितने हुए हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो घायल है, घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत ऐसे सैनिक भी हैं जिनको छुटपुट चोटें लगी हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन घायलों की संख्या भी ज़्यादा है। और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि जो कैजुअल्टी रेट है या कैजुअल्टी जो है वो भी बढ़ जाए, लेकिन अभी सेना जो है वो पूरी तरीके से एक एक चीज़ का नज़र बनाए हुए है और उसी हिसाब से जो है अपने जो जानकारी जो है आगे साझा कर रही है। नीरज हमारे साथ है। नीरज, हमने कल देखा रात में काफी देर तक बैठकों का दौर जारी रहा, आज की स्थिति क्या है, कि आज भी कोई बैठक है? देखिए, ऐसे मसलों पे कोई प्रस्तावित बैठक नहीं होती। कल भी जिस तरह से आनन फानन में बैक टू बैक कई बैठकें हुई, क्योंकि कल चार बैठक हुई थी, अगर कोई बैठक प्रधानमंत्री को करनी होगी तो वो बिल्कुल तमाम मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं, लेकिन कल एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। तीन बैठकों के बाद जो सुरक्षा समिति की बैठक हुई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें तमाम सदस्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री उस कमेटी को चेयर करते हैं और बाकी चार जो मंत्री सदस्य हैं वो भी बैठक में मौजूद थे और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। तो बैठक तो कल हो चुकी है, आने वाले दिनों में भारत की रणनीति क्या होगी सीमा पर, उस पर बातचीत हो चुकी है। घरेलू जो जी ठीक है, नीरज मैं आ रही हूँ, मैं ऐसा संजीव जी हैं। संजीव जी, बातचीत के बाद ऐसा लग रहा था कि चीन ने ही, क्योंकि पहले कहा कि बातचीत करते हैं हम, मसला सुलझाते हैं, उसके बाद मसला तकरीबन सुलझता हुआ दिखा, ये लगा कि हाँ ठीक है चीन पीछे भी जा रहा है, लेकिन अचानक से 45 साल का रिकॉर्ड टूटा और कल हमने जो संघर्ष देखा वहाँ बॉर्डर पर, उसको किस तरीके से देखें? क्या चीन की ये रणनीति रही है कि हम केवल इशारा कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम बातचीत से सुलझ जाएगा मसला, लेकिन चीन कुछ और सोच रहा था? देखिए, ये निसंदेह ये एक धोखे वाला चरित्र चीन का सामने आया है। ये जो डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस एक शुरू हुआ था और ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि स्थितियां अब डिसएंगेजमेंट की तरफ पूरी तरह से बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चाइना की तरफ से एक तरह से धोखे की कार्रवाई की गई और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो वार्ता हुई उसके बाद जरूर ये संभावना बनी थी। लेकिन हम देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि चाइना एक ऐसा देश है कि जो लगातार डिसेप्शन का सहारा लेता है, अपने स्ट्रेटजिक जो मंशा को वो जाहिर नहीं करता, वार्ताएं जब होती हैं तो उसमें उसका जो क्लियर पक्ष सामने नहीं आता है। इसी वजह से चाइना के ऊपर विश्वास का एक बहुत बड़ा संकट लगातार बना रहता है। चाइना के ऊपर विश्वास कर पाना एक बेहद मुश्किल कार्य होता है। चाइना कब क्या स्थिति क्या करवट लेगा इसको लेकर के कह पाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि चाइना जैसे देशों के साथ डील करने में पूरे विश्व को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और भारत भी इसी तरह के धोखे का शिकार पहले भी रहा। चीन और भारत के बीच